हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पांचवी कक्षा की हिंदी की क्लास में। पिछले वीडियो सेशन में हमने पार्ट 13 पेड़ और पौधे, इसके शब्द अर्थ और अभ्यास में के लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तर की चर्चा की थी। आज हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें दिया है भाषा ज्ञान, ग्रामर स्किल्स। तो प्रश्न एक दिया है, खाली जगह में है अथवा हैं का सही प्रयोग करो। तो बच्चों, इसमें क्या फर्क है ये पता है? यहाँ पहला वाला जो है दिया है उस पर बिंदु नहीं है और वो एक वचन में लगता है, जबकि दूसरे वाले हैं उसमें ऊपर बिंदु दिया है जो कि बहुवचन में लगेगा। इसमें पहला, नन्हे जानवर घास पर खेल रहे हैं, क्योंकि ये बहुवचन है इसलिए यहाँ बिंदु वाला हैं लगेगा। फिर और इसके जो उच्चारण है उसमें भी फर्क है और हैं, ऐसे दोनों के उच्चारण में भी फर्क है। फिर दूसरा, बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठा हुआ, तो यहाँ क्या आएगा? है, क्योंकि ये एक वचन है। फिर तीसरा, लकड़हारे पेड़ काट कर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुवचन है तो ये वाला है लिखेंगे। फिर प्रश्न घ, अचानक वहाँ तानी आकर कहती है, तो यहाँ ये वाला है आएगा। फिर उसके बाद दिया है अंग, ये सजे हुए पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, कौन सा लिखेंगे? पहला वाला है दूसरा वाला? यहाँ दूसरा वाला लिखेंगे, हैं। फिर इसके आगे दिया है, पढ़ो समझो और मिलाओ, रीड अंडरस्टैंड एंड मैच। तो यहाँ क्या, ये विरोधी शब्द दिए हुए हैं, शुद्ध का है अशुद्ध, ऐसे ही सुंदर का क्या होगा? असुंदर। ये नया का पुराना और पास का दूर, दोस्त का दुश्मन, ये विरोधी शब्द दिया हुआ है। तो यहाँ दूसरा मिलाएंगे छाया तो धूप, देर तो जल्दी, साफ गंदा। तो हमने यहाँ ये मिलान कर दिया, ये विरोधी शब्दों का मिलान है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ दिया है प्रश्न 3, नीचे दिए शब्दों के लिए सही शब्द चुनकर लिखो, चूज एंड राइट द करेक्ट वर्ड। यहाँ आप लोगों को विकल्प दिए गए हैं, उसी में से आपको सही शब्द चुनकर यहाँ लिखना है। यहाँ दिया हुआ है नन्हे जानवर, तो हवा के आगे कौन सा शब्द लिखेंगे? शुद्ध, शुद्ध हवा। फिर दोस्त, तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक अच्छा, तीसरे में लिखेंगे अच्छा दोस्त। फिर दिया है पानी, तो पानी क्या यहाँ आएगा? गंदा। फिर आदमी, तो उसके लिए कौन सा शब्द लिखेंगे? बूढ़ा आदमी। फिर यहाँ दिया है दिन, तो कैसा लिखेंगे? सुंदर दिन। फिर यहाँ दिया है प्रश्न 4, नीचे दिए शब्दों में से एक और अनेक ढूंढ कर लिखो, पुट द गिवन वर्ड्स अंडर द करेक्ट कैटेगरी एज वन एंड मैनी। तो यहाँ पहला दिया हुआ है एक चींटी, अनेक बच्चे, ये दो दिया हुआ है। उसके बाद वाले
ये कॉलम में हम सभी एक वचन शब्द लिखेंगे और ये अनेक के नीचे सभी बहुवचन शब्द लिखेंगे। यहाँ दिया है पहला पौधे, तो पौधे एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन, तो ये कहाँ लिखेंगे? यहाँ पौधे। फिर दूसरा दिया है बच्चे, तो बच्चे भी अनेक है इसलिए बच्चे यहाँ लिखेंगे अनेक के नीचे। फिर चीटी, चीटी यहाँ लिखा हुआ है और बच्चे भी यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ चीटी भी लिखा हुआ है, तो उसके आगे का देखते हैं लकड़ी, लकड़ी एक, तो यहाँ लकड़ी एक के नीचे लिखेंगे लकड़ी। उसके बाद दिया है लकड़हारे, तो ये क्या होगा? अनेक, मतलब कि बहुवचन, तो यहाँ अनेक के नीचे लकड़हारे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? लकड़हारे। फिर उसके बाद दिया है चिड़िया, तो चिड़िया एक वचन या बहुवचन? एक या अनेक? चिड़िया एक है इसलिए एक के नीचे लिखेंगे यहाँ चिड़िया। फिर कारखाने, कारखाने एक या अनेक? तो अनेक, तो कारखाने अनेक के नीचे यहाँ लिखेंगे कारखाने। फिर उसके बाद दिया है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी एक या अनेक? एक, तो यहाँ कुल्हाड़ी लिखेंगे एक के नीचे। फिर गिलहरी, तो गिलहरी एक या अनेक? गिलहरी एक, तो ये भी एक के नीचे ही आएगी गिलहरी। फिर दिया है गाड़ियाँ, तो गाड़ियाँ एक या अनेक के नीचे आएगा? तो ये शब्द अनेक के नीचे आएगा गाड़ियाँ। तो बच्चों यहाँ हमने एक और अनेक ढूंढ कर लिखा उसकी कैटेगरी के हिसाब से, मतलब कि एक वचन या बहुवचन, एक या अनेक कह सकते हैं। तो आज के लिए हम अभ्यास की चर्चा यहीं तक रखते हैं। आपको ये सब जो प्रश्न मैंने करवाया उसका घर पर अभ्यास करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।